फाइनली फिल्म देखी है सफ़ेद, कैसी लगी फिल्म? आई थिंक जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत ही मतलब लिटरली मैं अभी आई और मैं एकदम शांत हो गई क्योंकि यू नो गूज़बम्स आ रहे थे मुझे, इतने अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं. अभय ने इतना अच्छा काम किया, बाकी जितने भी कास्ट उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो बहुत अच्छी लगी फिल्म. का मुद्दा डार्क शैडोज ऑफ सोसाइटी को लेकर जी जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे लिखी है ये कहानी और जैसे दिखाया है बहुत ही अच्छे से दिखाया है एंड बहुत ही अच्छे. आई थिंक जो डायरेक्शन था वो भी बहुत अच्छा था, शूट भी बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छी लगी. सब लोगों का काम ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, मतलब लिटरली जो परफॉर्मेंसेस है आप जब देखेंगे आपको लगेगा कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, दिल को छू जाती है. और जो इसके साथ साथ क्रिसमस सीजन चल रहा है जी, एंड क्रिसमस के मौके पे दो बड़ी फिल्में आ रही है जी एंड सलार जी, तो आपसे जानना चाहूंगा किस फिल्म के सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? एंड शाहरुख सर की कोई भी फिल्म मैं एक्साइटेड रहती हूँ ऑफकोर्स, मतलब दोनों फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट, बट शाहरुख सर मेरे फेवरेट है दंगल के लिए डेफिनेटली. I think I'm nobody to rate any film, but I would say 5 on 5 because the performances have just literally like shook me and literally I have goosebumps even till now. It's amazing. Thank you so much. It's a very emotional film, very raw performances and brilliant cinematography. और एक ऐसे पहलू को छुआ है जो जिस पर हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं लेकिन उनके जज्बातों और उनके इमोशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हुआ है. सो यहाँ पर संदीप ने एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डाला है जहाँ पर वो जो लोग जिन्हें हम देखते हैं उन और जिन पर ध्यान नहीं देते उनकी ज़िंदगी में एक एक प्रकाश डाला है जिसकी वजह से हम उनके इमोशंस के थ्रू हम पसार हो सकते हैं. और बहुत ही खूबसूरती से बुना हुआ है, बहुत ही आर्श ट्रूथ है लेकिन है. सब लोगों का काम फिल्म में कैसे, स्पेशली अभय वर्मा एंड मीरा चोपड़ा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अभय का जो नयापन है वो उसके अंदरूनी में एक बहुत बड़ी ताकत है. और मीरा इज़ फैबुलस और संदीप ने बहुत बढ़िया डायरेक्ट किया. आई थिंक पीपल शुड वॉच इट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ इट टू अंडरस्टैंड व्हाट द कम्युनिटी गोज थ्रू. एंड या आल्सो इसी के साथ क्रिसमस का मौका चल रहा है एंड दो बड़ी फिल्में आ रही है अपने इंडस्ट्री से जी, डंकी एंड सलार. What do you have to say about it? So, which film is going to I'm a Shahrukh sir fan, so I'm gonna and Rajkumar Hirani sir's fan as well. So thank you all the way. Obviously. जी बिल्कुल बिल्कुल, बट आई होप आई एम ग्लैड कि इस साल फिल्मों ने काफ़ी अच्छा किया है. सो जितना अच्छा बिजनेस करते हैं फिल्में उतना ही अच्छा और उतना ही प्रोत्साहन मिलता है आने वाली फिल्मों को. सो इट्स अ गुड टाइम फॉर फिल्म. जैसे कि मैं अभी संदीप को भी कहता हूँ, बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म, बहुत ही भारी फिल्म, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसे चुना गया है. तो आई थिंक संदीप ने बहुत ही कमाल का काम किया एज अ डायरेक्टर एंड सारे परफॉर्मेंस में बहुत कमाल का काम किया. म्यूजिक बहुत अच्छा है, बड़े करेक्ट टाइम पर आता है. सो आई रियली एंजॉय फिल्म. का मुद्दा द डार्क शैडोज ऑफ सोसाइटी है, क्या लगता है कितना डार्क वर्ल्ड दिखाया है? डार्क सोसाइटी है यार, और ये डार्क एरियाज हैं जो जनरली बहुत से लोग छेड़ते नहीं हैं. आई होप लोग इस फिल्म को देखें और जिन चीज़ों की बात हो रही है मैं बोलना नहीं चाहूँगा कम चीज़ों की, आप खुद देखें और अपने दिमाग से उसे समझें. क्या लगता है ये एक आई ओपनिंग फिल्म रहेगी जो व्यूवर्स देखेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल. आई थिंक ये मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और जिन पर हो रही है जिस तरह से दर्शाया गया है बहुत बहुत बेहतरीन. साइलेंस.